सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेंजिन थोगमे है, जो कि तिब्बती भाषा में है, जिसका हम जब अनुवाद करते हैं तो उसका नाम होता है असम। और ख़ास करके ये जो परंपरा है वो भारतीय परंपरा है, हमारी है, लगता तो है तिब्बतन है, लेकिन भारतीयों ने इनको अच्छी तरह से संभाल के रखा, तिब्बतन लोगों ने अच्छी तरह से संभाल के रखा। वो तिब्बत में गई और फिर अभी वापस लौट कर आई है। तो अभी जो ये सेरेमनी चली गई है उसको एक भिक्कू उपसंपदा कहते हैं। भिक्कू माने उसको भिक्षु कहते हैं ना, तो उसको पाली में उसको भिक्कू कहते हैं जी। और श्रमण माने जो भिक्षु से पहले एक मतलब एक लर्निंग पॉइंट होता है उसका, उसके बाद जब वो फुली ऑर्डेंट हो जाता है, जिसको पूरी उसके पास वाउज मिलती है, तो एक मॉन्क कहलाता है, माने एक भिक्षु कहलाता है। आप एक गृहस्थ हो, इसका एक कुछ प्रमाण होना चाहिए ना कि आप, मैं गृहस्थ हूँ इसका मतलब मैं कुछ फॉलो कर रहा हूँ, मैं कुछ रूल्स, मेरे रेगुलेशंस मैं कुछ फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक गृहस्थ हूँ, इसलिए मैं एक ले पीपल। ठीक उसी प्रकार से मैं एक भिक्षु हूँ, तो इसका अर्थ यह है कि मैंने जिस प्रकार से जो कुछ दीक्षा ली है, माने जो कुछ कमिटमेंट खुद की है अपने गुरु से, अपने टीचर से, तो वो मैं पूरी लाइफ टाइम जैसी है वैसी मैं फॉलो करूँगा, किसी कोई बाधा की नहीं हो करके, किसी कोई ऑब्स्टैकल के, मैं पूरी तरह से उसको सरेंडर करके, कमिटमेंट करके, पूरी अंतिम लाइफ तक, मुझे अंतिम सांस तक मैं पूरी तरह से उसको मैं फॉलो करूँगा। तो क्या मेजर आप फॉलो करते हैं, मतलब उसमें 252 प्रकार के रूल होते हैं, हाँ, एक भिक्षु को फॉलो करने के लिए, उसको विनय कहा गया। और बुद्ध की शिक्षा 3 भागों में बांटी हुई है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो विनय पिटक जो है डिसिप्लिन, एक मॉन्क को अपनी लाइफ किस प्रकार से जीनी है डिसिप्लिन होकर। तो बुद्ध के समय में 2252 प्रकार के रूल बनाए थे, भिक्षुनियों के लिए भी, नंस भी होती है, लेकिन अभी के आज के हाल में तो थोड़ा फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है, जैसे कि फ़ोन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं तो हम कनेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन फ़ोन इस्तेमाल करने से इतना बड़ा कुछ किसी का अकुशल या फिर किसी की हानि नहीं होने वाली है, लेकिन फ़ोन इस्तेमाल करने से आपका इंटेंशन क्या है उसके पीछे वो डिपेंड करता है। तो 253 जो रूल बने, 253, तो उसके अंतर्गत जो विनय है, तो विनय को वो भिक्षु फॉलो करता है। तो उस प्रकार से उसको अभी जो उपसंपदा हुई, माने अभी जो पूरी तरह से सेरेमनी हुई है, वो 253 रूल जैसे के है वैसे वो फॉलो करेगा जितना हो सके उतनी ओर से। लेकिन बेसिकली जो 4 रूल्स है, हत्या नहीं करनी है, किसी से व्यभिचार नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, तो और चोरी नहीं करनी है, तो ये 4 बेसिकली जो रूल है ना वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। इवन गृहस्थों को भी, हमने किसी की हत्या की तो क्या होगा, मन में क्रोध जगेगा। जैसे कोई प्राणी अपने नैसर्गिक तरीके से जन्म लेता है, ठीक उसी प्रकार से उसका हक है कि वो नैसर्गिक तरीके से मरे, और हम उसको जाकर के बीच में डिस्टर्ब करते हैं। तो इस प्रकार से जो 4 जो रूट है मेजर टीचिंग मेजर, हाँ, तो वो 4 बहुत आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने। बाकी जो बचे हुए 253 रूल है, जैसे आपके बैठना, आपका खाना, या फिर आपके कपड़े पहनना, लोगों से बात करना, चलते वक्त कैसे चलना, कॉन्टेम्पलेशन कैसे करना, मेडिटेशन कैसे करना, ये सारी बातें विनय में बताई गई है। चलिए सर, थैंक यू। ओके, वेलकम, बहुत अच्छा लगा आपने बहुत जानकारी हमें दी, हमारे लिए बहुत अच्छी लर्निंग। जी जी जी। रिफ्रेशिंग है, बहुत मीठा लगी। ये पीते हैं ना मंजू का टीला, अपना लाफिंग की याद आती है, लाफिंग के साथ में फ्रूट बियर, यही ब्रांड है, चिनार, सब वहीं से आता है। हाँ, कब से बनता मैदे से ये, और चीनी भी होता है इसमें, नमक भी होता है। अच्छा है, हल्का नमकीन, हल्का मीठा और क्रिस्प। इस वक्त हम लोग मैकलोरगंज के नॉर्लिंग रेस्टोरेंट में हैं, और ये रेस्टोरेंट की शुरुआत 30 साल पहले हुई। इसके जो ओनर हैं उनका नाम है मिसेस डोर्जी चोरन। यहाँ पे आपको क्लासिक टिबेटन डिशेस मिलती हैं, जिनमें से हमने 2 चीज़ें मंगवाई हैं, एक है लामेन, चिकन लामेन, और एक है वेज पिंसिल। जो लामेन है वो तो वैसे फ्लैट नूडल्स हैं, जिसमें जो नूडल्स में सब्जियाँ डाली जाती हैं, जैसे कैप्सिकम है, कैरेट है, अनियन है, वो सारी चीज़ें हैं। और ये वेज पिंसिल है, जिसमें ग्लास नूडल्स हैं और साथ में वेजिटेबल्स हैं। ताई शुरू किया जाए।
मतलब नूडल्स की भी बहुत सारी वैरायटीज हैं टिबेटन क्यूजीन में, थेंतुक है, बत्तुक है, लामेन है। जो लामेन में मेन फ्लेवर है वो सोया सॉस का है, साथ में बीच बीच में आपका चिकन के पीसेज हैं और वेजिटेबल्स हैं। ये नूडल्स विद सूप है, ग्रास नूडल्स विद सूप, ये बहुत फ्लेवरफुल है और खूब सारी इसमें सब्जियां डली हुई हैं, इसमें आलू प्याज और साथ में गाजर बीन्स सभी चीज़ें हैं, मोटा मोटा कटा हुआ है, हाँ बॉइल्ड आलू है, काफ़ी फिलिंग है और मेरे को तो हल्का बटरी टेस्ट भी आ रहा है, हल्का हल्का है ना, हल्का बटर का टेस्ट भी है। इस रेस्टोरेंट का नाम है तिब्बत किचन, ये मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और टिबेटन डिशेस मिलती हैं। हमने मंगवाया है मटन स्टीम मोमोज और वेजिटेबल फकला। एक अच्छे मोमो को पहचानने के लिए तीन चीज़ें होती हैं, पहला जो स्किन है ये पतला होना चाहिए, सेकेंडली जो इसमें स्टफिंग की गई है वो अच्छी खासी मात्रा में होनी चाहिए, थर्ड जूसी होना चाहिए, और एक और ऐड कर लेते हैं, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होने चाहिए उसका, मतलब पनीरीकरण और अपना बटर चिकनीकरण नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं कैसा है ये। बहुत ही उम्दा है, सिर्फ प्याज और गार्लिक, साथ में हल्की हरी मिर्च और धनिया पत्ती, बस जूसी, अंदर जो मिस्ड मटन है मॉइस्ट भी है, बहुत ही उम्दा। अब चटनी के साथ ट्राई करते हैं, देखो जूस कैसे ड्रिप कर रहा है मोमो में से, उसको सोया सॉस के साथ ट्राई करते हैं। बहुत ही शानदार है। तो ये वेजिटेबल फकलाब है और इसको जहाँ तक मुझे पता है शबाले भी बोलते हैं। इसके अंदर स्टफिंग वेरी करती है, आप वेजिटेबल्स भी डलवा सकते हैं या फिर चिकन भी हो सकता है, मटन भी हो सकता है, जैसे हमारी अपनी देसी गुजिया होती है उस तरह से इसका शेप है। इसमें चीज़ भी है और कैबेज और कॉलीफ्लावर का भी टेस्ट है, साथ ही साथ रेडिश का भी, मूली का भी और गाजर भी है। स्टफिंग अच्छी खासी मात्रा में की गई है और स्टफिंग टेस्टी है, जो हल्का चीज़ डाला है, मतलब ओवर चीज़ी नहीं है, हल्का चीज़ डाला है तो अच्छा वो ब्लेंड कर रहा है वेजिटेबल्स के साथ। हम लोग कल गए थे नोवोलिंका मॉनेस्ट्री, तो वहाँ पे जो हमें टूर गाइड थे उनका नाम था फुर्बो, तो उन्होंने रेकमेंड किया आपके रेस्टोरेंट में कि आप जाना वहाँ पे मैक्रोलगंज में, छोटा सा एक रेस्टोरेंट है वहाँ मोमो थुप्पा बहुत अच्छा मिलता है। हाँ जी, तो थोड़ा पॉपुलर है। तो कितने साल हो गए आपके रेस्टोरेंट को? अप्रॉक्सीमेट 10 years। 10 years किन्होंने शुरू किया था? तो आप दोनों साथ में शुरू किया? नहीं मैं तो सिर्फ दोस्त है उसका। अच्छा, आप फ्रेंड हेल्प करने आ जाते हैं उनको? सब रेसिपीज उनका है। मेन्यू में है बिग मोमोज, मोमोज थुप्पा, शबाले, ग्यूमा और साथ में ड्रिंक्स हैं। तो ये बिग मोमोज क्या होता है? बिग मोमो थोड़ा मोमो जैसा है और स्टफिंग सब सेम है, थोड़ा बिग है, साइज बड़ा है, साइज बड़ा है बस। थुप्पा तो हम लोग जानते हैं वो सूप, नूडल्स, वेजिटेबल्स होता है या मटन ले लो। थुप्पा बाकी लोग रशो भी ना वो सब खरीदते हैं ना बाहर से, ये सब हम मैदा से ना हम लोग बनाते, खुद बनाते हैं थुप्पा सब मशीन से ना बनाते, इसलिए थोड़ा टेस्ट है।
और बाले क्या होता है? वेज बाले फले सेम है और ये तो सिर्फ वेज का है। अच्छा हाँ। तो वेज बाले, बाले इज ब्रेड, फले इज अ ब्रेड, या फले इज अ ब्रेड। और ग्यूमा, ग्यूमा ये इंटरेस्टिंग है, सॉसेजेस, सॉसेज है। हाँ हाँ। तो ये बिग मोमो है, ये वेजिटेबल मटन वाला है, और ये सूप राइस सूप है। अच्छा ये राइस भी है इसमें, ये मूली और चुकंदर, बीट रूट और रेडिश। इसका टेक्सचर बन की तरह है, जैसे टिंगमो होता है, टिंगमो टिंगमो से मिलता जुलता है, और साथ में जो अंदर मटन का फिलिंग है थोड़ा सा, और वो जूसी है काफ़ी, सही है। और बेसिक सिर्फ प्याज डालते हैं उसमें, जो पता नहीं, हम लोग तो अपनी भाषा में माड़ बोलते हैं, जब चावल पकाते हैं तो चावल का जो पानी होता है ज़्यादा वो है, और ये राइस सूप है, तो हेल्दी होता है और गर्मियों में अच्छा होता है। ठीक है, थैंक यू सोनम, अच्छा लगा। अब हमारा वेस्ट थुप्पा आ रहा है, आप जा रहे हैं, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। ये वेस्ट थुप्पा है, पॉक चाय, और साथ में वेजिटेबल स्टॉक है इसमें, और ये जो नूडल्स देख रहे हैं आप, ये जो थुप्पा है ये खुद अपना बनाते हैं, इसलिए काफ़ी थिक भी है, मतलब बाजार वाला थुप्पा नहीं है। बहुत बढ़िया है। कुछ ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं है, सिर्फ पॉक चाय है, और सिर्फ उसी का ही फ्लेवर आ रहा है इसमें। थैंक यू। बहुत अच्छा, ये का जो चिली पेस्ट है चिली ऑयल के साथ है, है? तो काफ़ी तीखा हो गए, कोई टमाटर वाटर नहीं, सिर्फ लाल मिर्च है। पूरा टेस्ट बदल जा रहा है जब ये डाल रहे हैं तो, पूरा टेस्ट बदल रहा है। मुझे तो ये नूडल्स बहुत पसंद आई है, थुप्पा पसंद आया। रेस्टोरेंट ऐसे होने चाहिए, जब मैं छोटे से ही अपने शॉप पे दो टेबल्स लगाई हुई हैं, छोटा सा किचन है, ओनर खुद किचन में काम कर रही है, वो टेबल भी क्लीन कर रही है, पैसे भी ले रही है, सब कुछ कर रही है, तो क्वालिटी मेंटेन रहती है। इसको बोलते हैं खमसे, ये बनता है आटा, हल्का चीनी और साथ में बेकिंग पाउडर, जिस तरह से हमारे शक्कर पारे होते हैं उसी तरह से ये खमसे, टिबेटन स्नैक। ये है टिबेट क्वालिटी बेकरी, टिबेट क्वालिटी। आप ये लोकल मैक्रोगंज के हैं? या बेसिकली आई एम फ्रॉम हियर। और ये बेकरी कब से है आपका? ये है अभी कम से कम ये 1994 से। ये सारा कुछ आप खुद बनाते हैं? हाँ, मैं खुद बना रहा है। बहुत सारा आइटम्स है आपके पास? बहुत है, और भी ज़्यादा है, लेकिन जगह नहीं है ना रहने के। यहाँ मैक्रो का क्लासिक क्या बेकरी आइटम्स है? जैसे कि बाकी तो बाहर दूसरे के तो क्या बेचते हैं वो तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, मेरा कि इसमें टिबेट स्पेशल नट बार है, फिर मेरा याक चॉकलेट चीज़ केक है, बड़ा फेमस है, और लासा कुकीज है। लासा कुकीज़ मुझे एक टिबेट स्पेशल बार जो है, हाँ हाँ, वो टेस्ट करा, वो आपको टेस्ट करना है। ठीक है, मैं अभी लगा दे। चॉकलेट, वॉलनट, वॉलनट्स एंड कोकोनट, कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स, ये बिल्कुल क्रम्बली क्रम्बली है। The base is with digestive biscuit with butter, and then we have toast with condensed milk, milkmaid. Wow. Yeah. ये अपना इलेक्ट्रिक ओवन में बनाते हैं? नहीं, ये गैस ओवन। गैस ओवन। गैस ओवन। बहुत बढ़िया। कहाँ से बनाना सीखा आपके साथ? बेसिकली मैं पहले होटल में मैं करता था। अब आई एम अ शेफ इन अ होटल। पेस्ट्री शेफ? नॉट एग्जैक्टली पेस्ट्री शेफ, बट होटल लाइक यू हैव रूम इन रेस्टोरेंट बार एंड ऑल।
bakery. So I'm a chef there. And then I learned from there and then I started doing by myself. यहाँ पे हिल्स पे मैंने देखा है कि जो बेकरी आइटम्स हैं, आप मसूरी चले जाएँ, शिमला चले जाएँ, नैनीताल चले जाएँ, कहीं भी जाएँ, वहाँ अच्छा मिलता है। हाँ हाँ, है ना, बेकरी प्रोडक्ट्स। हाँ, हर जगह में अपने अपने उसमें वो होता है। यहाँ पे आपके ज़्यादा आइटम है। हाँ, मेरा इसमें ज़्यादा आइटम तो लोग को मतलब ये चेंज कर सकेगा। हाँ, आज दूसरा खाओ, कल दूसरा खाओ, ये नहीं कि रोज एक चीज़ क्या खाना है ना। हाँ, वो तो दाल भात जैसा हो गया ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ, अपना ब्रेकफास्ट का भी डिशेज है। हाँ, ये ब्रेड वगैरह, क्रोसॉन है, एप्पल पाए है, दुनिया भर का सामान है। ये आपका चॉकलेट चीज़ केक है। चीज़ केक जैसे याक चीज़ इनसाइड। तो याक चीज़ बोलते हैं तो ये कहाँ से आता है? ये मेरा लद्दाख से आता है। लद्दाख मेरा एनिमल वगैरह वहाँ है, तो विंटर में वहाँ से बस अपने आदमी वहीं है ना, तो वहाँ से जो ये जो है याक चीज़ चॉकलेट केक। हाँ, चॉकलेट इज ऑन द टॉप बट देन फिलिंग्स आर नॉट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ याक चीज़ बट बिट ऑफ याक फ्लेवरिंग्स के लिए फ्लेवर। या इसमें भी कोकोनट डालते हैं क्या? हाँ, डेसिकेटेड कोकोनट। दूसरा वाला में डाइस कोकोनट है, डेसिकेटेड कोकोनट है। वेरी नाइस। इसके साथ बस एक कॉफ़ी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। हाँ, सही बात है कि नहीं? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा, ये और जो हमने दोनों चीज़ें ट्राई की, ठीक है, स्पेशल बार और याक चीज़ केक, दोनों ही बहुत अच्छा था। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। तो यार शूज़ उतार के अंदर आना होता है। इस कैफ़े का नाम है ग्रेप पैनकेक हट, जोगीवाड़ा रोड, मैक्लोडगंज। और मेन्यू बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे चाय है, कॉफ़ी है, कोम्बुचा टी भी है, सोया आलमंड मिल्क, बट ये जाना जाता है अपने क्रेप पैनकेक्स के लिए। इसमें अपने हिसाब से आप फ्लेवर चूज़ कर सकते हैं, उसके बाद अपने तरह से सॉस भी पिक कर सकते हैं और टॉपिंग्स भी। ये कैफ़े कब से है यहाँ पे? कैफे 2008 से है, नीचे वाला 8 से है, फिर ऊपर वाला 2014 से है। तो ये जो भी है मेन्यू प्लान करना, रेसिपी सब आपका है? हाँ। तो कैसे शुरू किया ये कैफ़े? तो पहले मेरा नॉनवेज रेस्टोरेंट था ना ऊपर, तो बच्चा को संभालना था और रेस्टोरेंट को बड़ा रेस्टोरेंट था ना, इसलिए बहुत तकलीफ था। फिर मैं इस छोटा से एक रखेगा तो बच्चा को भी संभाल सके और रेस्टोरेंट भी खुद बना सके, ऐसे सोचा था, इसलिए एज अ वेजिटेरियन और वीगन भी गया। तो जब वीगन, मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, आप खुद वीगन है? नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन है? तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वीगन ऑप्शंस के लिए मांगते हैं? हाँ, पहले तो फॉरनर्स ज़्यादा वीगन पूछता है वीगन के बारे में ना, पहले मुझे भी मालूम नहीं था वीगन क्या है ना, तो उन्होंने पूछा तो बोलते कि वीगन एनिमल प्रोडक्ट टचिंग नहीं है बोलते पूरा। मतलब वीगन वही है, इसमें डेयरी का इस्तेमाल नहीं है? हाँ, डेयरी का इस्तेमाल नहीं है, है ना, घी, मक्खन, पनीर कुछ नहीं डाल सकते, कुछ नहीं, नॉन वेजिटेरियन कुछ नहीं डाल सकते, तो वो वीगन है। और आप धर्मशाला वीगन मूवमेंट? हाँ, वो लोग हर साल यहाँ पे वीगन मूवमेंट करते हैं, तो ये उस दिन मैं पूरा रेस्टोरेंट पूरा वीगन खाना ही बनाता हूँ। तो आपका ये वेडनेसडे स्पेशल है, वीगन वेडनेसडे स्पेशल? वेडनेसडे हम लोग टिबेटन लोग मीट नहीं खाता है और अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनता है, कोशिश करते हैं फिर वेजिटेरियन के करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर वेजिटेरियन ही लेता है वेडनेसडे को ना, तो मेरा रेस्टोरेंट तो ऑलरेडी वेजिटेरियन है ना, तो मैं वीगन ये करता हूँ। मेन्यू में है तो बहुत चीज़ें ट्राई करने की, लेकिन हम लोग क्रेप खाएंगे। ये है मिक्स फ्रूट क्रेप, इसमें कीवी, एप्पल, पपाया, प्लम, वाटरमेलन, चेरीज, सब कुछ है। क्रेप भी एक तरह का पैनकेक है, बस फर्क ये है कि पैनकेक थोड़ा थिक होता है, क्रेप थिन होता है। अच्छा सा हनी का स्वीटनेस है, साथ में फ्रूट्स का भी एक बट ये प्रॉपर ब्रेकफास्ट में खाए ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। हेल्दी ब्रेकफास्ट।
एक और बात है, ये जो पैनकेक्स हो गए, क्रेप्स हो गए, ये खाने का मज़ा भी आपको माउंटेन्स में ही आता है, हिल्स में ही आता है। मतलब आपको ये चीज़ आप प्लेन्स में खाएंगे उतना मज़ा नहीं आएगा, पता नहीं क्यों ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। और सबसे अच्छा पैनकेक भी मैंने जहाँ खाया है वो मैंने खाया था मसूरी के ऊपर लैंडोर है, वहाँ पे खाया था पैनकेक। और ये क्रेप बहुत ही शानदार है। जो ये क्रेप है ये स्वीट भी आता है सेवरी भी आता है, दोनों ऑप्शन हैं। तो सेवरी में एग मशरूम्स है यहाँ पे। ये सेवरी क्रेप है एग मशरूम के स्टफिंग के साथ में। ये जो बेस है इसका बकवीट का ही है, कुट्टू का है, अंदर स्टफिंग एग और मशरूम की है, ऊपर ये वीगन सॉस है जो कि कैशियो से बनाया गया है। सॉफ्ट फ्लफी और क्रीमी। पिछले क्रेप से हैवी हो गए। हाँ ये हैवी है, हालांकि मुझे पर्सनली स्वीट क्रेप पसंद है, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है खाने में। अच्छा मैम थैंक यू। थैंक यू। अब हम लोग जा रहे हैं रोप वे राइड के लिए, मैक्लोरगंज से धर्मशाला और धर्मशाला से मैक्लोरगंज वापस आएंगे। एक टिकट पर पर्सन 500 रुपीज़ है। चलते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। लास्ट टाइम 5 बजे तक हमें वापस आना है मैक्लोरगंज। चलिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। मतलब इतना अच्छा पैनोरमिक व्यू आपको इस रोपवे से देखने को मिलता है। और ये हंस रहे हैं हमारे साथी, बुरा नहीं क्यों हंस रहे हैं, बट अभी भी अब हम ऊपर की ओर वापस मेट्रोगंज जा रहे हैं। अब पूरी राइड लगभग एक तरफ की 15 मिनट की है, 15-20 मिनट। और एक कैबिन में 8 लोग अलाउड हैं, 600 kg एक्चुअली। बस ये जब जॉइंट्स आते हैं ना, जब ये हिलता है तब एक अलग ही अनुभव होता है अनुभव को, और उस अनुभव को अनुभव करने के लिए आपको अभी रोपवे में आना पड़ेगा। और जब हवा चलती है तो थोड़ा ये केबिन और ये ट्रॉली हिलती है। और अगर कोई सोलो ट्रैवल कर रहा है तो उसको फटाफट अगर धर्मशाला पहुँचना है तो अच्छा एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है। मज़ा आ गया। Really enjoyed the whole experience. क्रोसों तो मिलता ही है साथ में, और भी बेकरी आइटम्स मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2016 में यहाँ पे आया था और फर्स्ट टाइम आलू मोमो मैंने मैक्लोरगंज में खाए थे। तो ये वीगन सांपा हाँ वीगन सांपा बॉल है। बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन कैफे हॉपिंग करने का बहुत सही मज़ा है। ये मज़ा है स्ट्रीट फूड का। हाँ